ऐसा लग रहा था कि हाथ के लोग वजन होगा पहले जिसको गिर रहा था। देखिए बिल्कुल पूरा काफी इलाके में पूरा तबाही। अभी आप देख सकते हैं कि बारिश भी नहीं है, तेज हवाएं चल रही है और बर्फबारी हो रही है। नाज़रीन, आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। मगरबी बंगाल रियासत के शुमाली बंगाल के बेशतर अज़ला में आज तेज़ बारिश, ओलाबारी और तूफान की वजह से काफ़ी तबाही हुई है। बिलखसूस उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर व कुर्ब जवार इलाके में भयानक ओलाबारी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुए हैं। ओलाबारी के साथ साथ तेज़ आवाज़ में बादल भी गरजे हैं, जिससे पैदा शुदा बिजली की जद में आकर एक 12 साल बच्ची समेत दो लोगों की मौत हुई है। हमारे न्यूज़ टुडे उर्दू प्रतिनिधि एहसान विश भाई साहब रहे। एहसान भाई, आपका ही इलाका है, एक बहुत दर्दनाक घटना यहाँ घटा है, विस्तृत ब्यौरा क्या है आपके पास, थोड़ा अगर बता दे तो। जी, आज रमजान मुबारक का ये मुबारक मौका चल रहा है। इस मौके पर वो बच्ची जो कि हमारे ये देही एरिया है, रूरल एरियाज है, तो यहाँ की बच्चियाँ अपनी मवेशियाँ, गाय वगैरह हमारे नदी इलाका, खेत इलाका उधर बांधते हैं। तो जब बारिश का मौका, जब मौसम का मिजाज बदलने लगा, तो ये बच्चे भी अपनी गाय वगैरह मवेशियाँ लाने के लिए गई। इसी दरमियान बारिश शुरू हो गई, तो बारिश की शुरुआत के बाद बादल भी गरजने लगे। तो बच्ची कोशिश की बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, पहले गाय जो मवेशियाँ हैं उसको पहले आज़ाद किया। जितनी भी गायें थी या बकरियाँ जो भी थी अपने घर को पहुँच गई, वो जो रस्सियाँ जो होती हैं वो रस्सियों को जोड़ने में लगी थी। इस दरमियान में बादल में ज़ोरदार आवाज़ हुई, उसी आवाज़ में बिजली पैदा हुई, बिजली के जद में आकर बच्चे का इंतकाल हो गया। ये बहुत बुरी खबर है, ये बहुत दर्दनाक खबर है, क्योंकि बच्चे की उम्र 12 साल है, वो अच्छी बच्ची थी और उसके हालत रोज़ा में थी। और उसके बाप जनाब जाहिद साहब, घर वाले, उनके नाना सब दुखी हैं। ननिहाल भी इसी गाँव में है, हाजी हकीमुद्दीन साहब, सब दुखी हैं। और ये गमनाक वाकया भी है, क्योंकि इस तरह का वाकया हमारे देही इलाके में जब होता है तो इसका असर पूरे इलाके में, पूरे गांव में होता है। तो इस वाकया से हमारा पूरा गांव इस वक्त मुतासिर है, सभी गमगीन है। आज दोपहर के वक्त अचानक ओलाबारी शुरू हुई, कई मिनटों तक ये सिलसिला चलता रहा। ओलाबारी के दौरान 1 किलो से 1.5 किलो वजनी पत्थर गिरे, जिससे कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए, खेतों पर लगी फसलें तबाह हो गई और जो लोग सड़कों पर या खुली फ़जा में थे उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। कई लोगों के सर जख्मी हुए हैं, इन सभी का इलाज इस्लामपुर महकमा अस्पताल में चल रहा है। जानते होंगे, बताया जैसा कि मतलब काफ़ी तेज़ बारिश के साथ साथ हमारे जो गुंजरिया, उसके बाद धनतोला से लेकर आप उधर कल्ला नागिन से आपका दारीबीर में इस तरह का मतलब पूरा तूफान और पत्थर पत्थरा हुआ, बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें हम लोग कोई वजन भी किए कि बहुत सारा पत्थर का साइज 500 ग्राम था, 200 ग्राम था, 250 ग्राम था। उसमें जो लोग खेत में खलियान में काम के लिए गए थे, वो लोग काफ़ी इंजरी हुआ है। जैसे हम अभी गुंजरिया से पेशेंट को लाए, बहुत सारा पेशेंट को अभी हम गुंजरिया से लाए हैं, और उसके बाद भी हम लोग का जो विधायक है अब्दुल करीम चौधरी साहब, उनसे भी मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, गोरे इमदाद चौधरी, उसके बाद आपका मेहताब चौधरी, उनको भी बोले हम। तो चौधरी साहब कलकत्ता में होने के वजह से वो नहीं के, लेकिन वो जहाँ तक हुआ बोला कि ये जो नुकसान हुआ है लोगों का, घर से लेकर आपका खेत खलियान तक, वो ADA से बात करेंगे, BDO से बात करेंगे, बात करके वो इंक्वायरी करेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। अभी हमको वही बोले कि जितना है पेशेंट वेशन तुम देखो, हम तो कलकत्ता में हैं, गोरे भाई लोग बोले हमको, तो हम वही पेशेंट को जहाँ तक हो रहा है मदद के लिए आए हैं,